नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्र और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कुनबा बढ़ाओ, जीत का प्रतिशत बढ़ाओ, कुछ इसी थीम पर राजनीतिक दलों ने सदस्यता अभियान पर फोकस कर लिया है। पहले बीजेपी और अब कांग्रेस ने सदस्यता अभियान का आगाज किया है। पीसीसी से की गई शुरुआत के तहत अब 5 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र से 5,000 सदस्यों का लक्ष्य है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभियान का आगाज किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस अभियान के जरिए करीब 2.25 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने देशभर में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर एक के बाद एक राज्यों में सरकार बनाई, ऐसे में कांग्रेस ने भी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर फोकस कर लिया है। अब ये देखना होगा कि कुनबा बढ़ाने का आखिर कितना फायदा कांग्रेस को होता है। आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, बहुत स्वागत है रामनारायण जी आपका। बीजेपी नेता राजेंद्र मीणा जी हमारे साथ, राजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका भी। सबसे अहम है सदस्यता अभियान का आगाज आज से हुआ है। रामनारायण जी आपसे शुरुआत करते हैं। पहले बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत लाखों की तादाद में लोगों को अपने साथ जोड़ा, करीब 80 लाख के करीब, और अब कांग्रेस इसकी शुरुआत आज से कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आगामी वक्त में कांग्रेस को मिलेगा, लोग जुड़ेंगे और कांग्रेस और मजबूत होगी, जैसा कि उद्देश्य है इस अभियान का? ठीक है श्वेता जी, ये हर पार्टी का एजेंडा होता है, उसकी भावना होती है, प्रसार अपने आप में प्रचार प्रसार करना पड़ता है। बहुत अच्छा है, ये 10 लाख अधिक नहीं है, एक विधानसभा से 5,000 के करीब जो बैठते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन ये इसके आधार पर लोगों से मिलने का, इंटरेक्शन करने का और अपनी पॉलिसीज़ की बात करने का, और देश में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है बेरोजगारी का, संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बेचने का, दूसरी बातें जो भी है, इतनी महंगाई है। आज मैं पहली दफ़ा देख रहा था, सुबह में आया जी, जंगल से औरतें लकड़े लाना बंद कर दिया था, लकड़े लेकर के गट्ठर लेकर के आ रही थी। तो कहीं ना कहीं देश में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, उन सब बातों को आम जन जानता है, फिर भी उसको एक्सप्लोइट करना और उसको एक्सपोज करना, ये सारी बातें होगी। निश्चित तौर पे इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और कांग्रेस शासित जिस प्रकार से यहाँ आसपास तो एक ही राज्य है, इसमें हमारे को काफ़ी कुछ गेन मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र मीणा जी, जिस तरह से कांग्रेस कॉन्फिडेंट भी और एक बड़ी टक्कर बीजेपी को देने के लिए कांग्रेस तैयार है, और ये अभियान को इसी तरह से देखा जा रहा है, आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि सदस्यता अभियान जब बीजेपी ने चलाया था, बीजेपी को भी बहुत फायदा हुआ था। श्वेता जी, जो काम कांग्रेस अब कर रही है, हम पूर्व में 5-6 साल पहले कर चुके हैं। हमारा सदस्यता अभियान चला, हमने करीब 85 लाख सदस्य हमने बीजेपी के बनाए हैं, और पूरे और देश में तो पूरे 16 करोड़ के आसपास हैं। तो हम तो ये पहले ही से ही हम कर रहे हैं कि कैसे आम जनता को जोड़ा जा रहा है। जोड़ने का काम किया हमारी पार्टी, देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर एक की पार्टी है सदस्यता अभियान के मामले में, और अच्छा काम कर रहे हैं। आज प्रत्येक आदमी जुड़ने का काम है, बीजेपी में प्रत्येक आदमी जुड़ना चाहता है और जुड़ा भी है, और जुड़ने से पूरे आज गाँव हो, आज प्रत्येक बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता बीजेपी का आपको मिलेगा, संगठन के रूप में भी। जो कांग्रेस आज एक तैयारी कर रही है, वो हम 3-4 साल 5 साल पहले पूरा कर चुके हैं। आज तो हम बूथ और वहाँ तक हमारा संगठन के काम प्रक्रिया चल रही है, और हम आज भी हमारा सदस्यता अभियान जारी है, कहीं भी नए सदस्य आज भी हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। हम अभी पंचायत चुनावों में, मैं अलवर प्रभारी था गोविंदगढ़ का, तो हमने वहाँ भी काफ़ी लोगों को, अभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता हमने मोबाइल के माध्यम से ही हमने दिलाई। और अब ये कांग्रेस का है, इनकी आपसी लड़ाई इतनी है कि अभी ये कुछ तय नहीं कर पा रहे, प्रदेश का संगठन का भी इनका चुनाव नहीं हो पाए अध्यक्षों के, राष्ट्रीय स्तर पे भी स्थिति, इनकी स्थिति माननीय राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे कि सोनिया जी रहेंगे, क्या होगा अभी एक साल के, और ये प्रक्रिया बढ़ा दी, क्यों जो जिस तरह सामंजस्य होना चाहिए वो है नहीं। पर मैं इनकी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पार्टी बीजेपी को पड़ता है, इससे फर्क क्या बीजेपी को पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी हमारे कुछ भी करें, हम तो तैयार बैठे हैं कि भाई ये इनके जिस तरह कमजोरियां हैं, जिस तरह इन्होंने पूरा किसानों की बात को लेके, किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करने की बात को लेके, संपूर्ण कर्जे माफ करेंगे, 3500 भत्ता देंगे युवाओं को, वो ये दे नहीं पाए, झूठ बोल के इन्होंने सरकार बना ली, और सरकार में आज बैठे कोई काम ऐसे हो नहीं रहे।
आज जिस तरह आज किसान परेशान है, आज बिजली मिल रही है, बार बार बोलती राजेंद्र मीणा जी, आपने भी ये मुद्दे गिनाए, बीजेपी की तरफ से ये मुद्दे बार बार बोले जाते हैं, लेकिन सवाल तो उठता है जब कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार से खुश नहीं जनता, तो फिर उपचुनाव में दूसरे चुनाव में क्यों जीत मिल जाती है? फिर तो उन्हें हार का सामना ही करना चाहिए अगर ऐसा होता तो। देवेंद्र शास्त्री जी, अभी आपने सुना राजेंद्र मीणा जी को, राम नारायण जी को भी, लेकिन सबसे हम ये देखिए सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से आगाज कर दिया है, 5 महीने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान में करीब 10 लाख लोगों को सदस्यता दिलाने का, लेकिन इससे इतर अगर बात करें कि ये अभियान कितना सफल होता है, कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है, या इस तरह से देख सकते हैं कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए इस अभियान का आगाज कर चुकी है, बीजेपी कहती है कि हम तो इसे पहले ही कर चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? देखिए श्वेता जी, ये जो कल उपचुनावों के परिणाम आने हैं और बहुत संभावना है कि चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, तो काफ़ी कुछ कोशिश करके वो लोग चाहेंगे कि उनके पक्ष में रिजल्ट आ जाए, और उस मौके पर अभियान आप छेड़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा लेना चाहती है पार्टी, और इसलिए इस मौके को चुना गया है कि परिणाम आने से पहले ही आगाज कर दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है जी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो और चाहे कांग्रेस, आज ये किस आधार पे किस मुंह पर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, इंडस्ट्रियल पूरा माहौल खत्म हो चुका है, बिजनेसमैन परेशान है, किसान आंदोलन में है। अब ये जो मेंबरशिप का है, आज भारतीय जनता पार्टी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, आज जाकर के देखें वहाँ पर दूसरे राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहर गांव में जाने नहीं दिया जा रहा, वहाँ कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तो हालात ऐसे हैं, कांग्रेस के लिए भी राजस्थान में सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस जो है जनता को डीजल पेट्रोल या बिजली किसी में भी राहत देने की तैयारी में नहीं है। तो जनता के पास जब मेंबरशिप के लिए जाएंगे तो मुझे ये आशंका लग रही है कि जनता इनको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देने वाली नहीं है, भले ये चुनाव अपनी ताकत से जीत ले या जो भी परिणाम आए, लेकिन जनता इस वक्त राजनीतिक पार्टियों की मेंबरशिप को लेकर के उतनी उत्साहित नहीं है। मेरा ये मानना है कि चूंकि ये एक तो उपचुनाव का फायदा लेना चाह रहे हैं, दूसरी जो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है उसको भी उस विवाद को भी टालने का एक ये बहाना है कि अभी ये संभावना लग रही थी कि कांग्रेस में कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, सचिन पायलट के समर्थकों को कोई जगह दी जाएगी, लेकिन टाइम निकाला जा रहा है और मुझे लग रहा है कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि सचिन पायलट फैक्टर नहीं है और पार्टी जो है एज यूजुअल राजस्थान में अपना काम कर रही है। तो ये एक इस बात का भी संकेत है कि अशोक गहलोत अपनी ताकत दिखा रहे हैं। देवेंद्र जी, लेकिन एक अहम बात आपने कहा कि ये जो महंगाई के मुद्दे हैं, पेट्रोल, इसमें कांग्रेस भी कुछ कर नहीं पाएगी, सदस्यता के लिए जाए तो मुद्दे क्या लेकर जाए, लेकिन अगर जनता की बात करें, अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर अगर नाराजगी बीजेपी से है तो वो भी तो विकल्प देखेगी, तो क्या आपको लगता है विकल्प के तौर पर कांग्रेस भी खरी नहीं उतर रही है? डेफिनेटली राजस्थान में देखिए विकल्प के तौर पे हर बार जनता जो है एक पार्टी को रिजेक्ट करती है, दूसरी को मजबूरी में एक्सेप्ट करती है, ये विकल्प की तलाश में है। अभी तक राजस्थान में विकल्प के तौर पे कोई पार्टी आई नहीं है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राजस्थान स्पेसिफिक ऐसा स्टेट क्यों है कि जहाँ विकल्प नहीं बन रहा है, उसका कारण है उसका 70 साल का जो चुनावी एक सिस्टम है वो उसके लिए दोषी है। यहाँ पर नीचे के चुनाव के लिए कोई भी नई पार्टी को अवसर नहीं है, निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, कोई नई पार्टी आएगी उसको कहेंगे नहीं नहीं पहले आप नेशनल पार्टी बनिए तब आपको हम सिंबल पे चुनाव लड़ने देंगे। ये राजस्थान अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर किसी नई पार्टी को खड़े नहीं होने दिया जाता, तो ये एक कारण है कि यहां पर विकल्प इतनी आसानी से खड़ा नहीं हो पाया है और ले दे करके उन्हीं पार्टियों को चुनना पड़ता है उसका विकल्प वो, और एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विकल्प बने हुए हैं भले ही हर बार उनको रिजेक्ट किया जाता है। राम नारायण जी, अभी आपने सुना देवेंद्र शास्त्री जी ने जो कहा विकल्प के तौर पर भी कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, कांग्रेस अभियान लेकर चल रही है, 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है सिर्फ राजस्थान में, लक्ष्य पूरा होगा क्या, क्या जनता भरोसा कांग्रेस पर करे अगर इन मुद्दों पर नाराजगी बीजेपी से हो तब भी?
श्वेता जी, शास्त्री जी बहुत अच्छी बात कह गए, लेकिन इसके पहलू नहीं देखे। हमेशा शासकीय दल के पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव में शासकीय दल हारता है, वो बीजेपी का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। आज देखिए आप, दोनों जिला प्रमुख कांग्रेस के आए हैं, और कल के बारे में कहूँगा तो मेरे दोनों साथी इस बात को अच्छा नहीं मानेंगे, कल का नतीजा आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के जो स्थितियाँ बनी हुई है, देखिए 40 रुपया सेंट्रल एक्साइज भारत सरकार की पेट्रोल पे है। आप कहें साहब महंगाइयाँ किसका मुद्दा है, देखिए नेशन के सामने स्टेट कितना साग है। हम स्टेट को कह करके आज दिल्ली भी कहती है साहब मध्य प्रदेश गड़बड़ कर रहा है, भले उनकी पार्टी है वहाँ ये एक्साइज ड्यूटी जो कम करो, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है स्टेट, आप बात को सुनिए ना, बेरोजगारी बढ़ रही है किसकी वजह से बढ़ रही है, 10 गुना जो बीज है भारत सरकार का जो बीज आ रहा है इफ्को वगैरह का, क्रिपको का, 10 गुना भी कीमत। आज 1400 रुपये में मक्का बेची है और 925 रुपये का मक्का का बीज, ये कंट्रोल कौन करेगा, भारत सरकार करेगी। ये जो सर्टिफाइड बीज के नाम पे भारत सरकार में जिस तरह से सेठू का वर्चस्व बढ़ रहा है, संपत्तियां बिक रही है। आज किसी किसान की, आज शास्त्री जी की हो या राजेंद्र जी की या मेरी हो, यदि घर की जमीन बिकती है तो क्या बेचता है, तो देश बहुत कमजोर होता जा रहा है। 50 आदमी की पूंजी बढ़ रही है, कोविड के जमाने में किसान की रेट घट रही है, तो जो स्थितियां पैदा हो रही है उनका सबका असर। अगर यही वजह कमजोर देश होता जा रहा है तो कैसे मजबूत होगा, ये मजबूत कांग्रेस कर सकती है, क्यों कर सकते हैं मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने कभी भी पूंजीपतियों का इतना एहसान नहीं माना जितना मानते आज। आज देखिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसी पूंजीपति के पांव छुए क्या? हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले पूंजीपति के पांव छुए, क्यों छुए ये वो जाने। तो देश इसलिए कमजोर हो रहा है कि हमारे जो तबका बहुमत में है, जो गरीब है, आज किसान इतने दिनों से धरने में बैठे, ऐसा कभी हुआ राजेंद्र जी कहेंगे कि 70 साल में फिर क्या विकास किया कांग्रेस, क्या हुआ नहीं किया, वो भी मेरा जहाँ तक राजेंद्र जी के गांव में जाने की सड़क नहीं थी, राजेंद्र जी के गांव में किसी को क्या, पूरे इलाके में गड़ी नहीं थी, साइकिल भी शायद 25 गाँव में एक हुआ करती थी। आपके भागड़ा नांगल किसने बनाया, मैं इसको नहीं कहता, चंबल की स्टेज किसने बनाया, 1974 में अणुस्फोट किसने किया, इंदिरा गांधी ने, श्रेय आप 1998 का लोगे। लेकिन देश को जो प्रोग्रेस दी वो तो कांग्रेस के लीडर्स ने, कांग्रेस के रिजे में हुआ है, और यहाँ तक कि उसी तिरंगे के कांग्रेस के नाम पे तो देश आजाद हुआ। जनता को नहीं दिख रहा है क्यों सिमट रही है, नहीं उसका कारण हो सकता है, लेकिन वो ईमानदारी की बात करके ही आए थे देश में, जिस तरह से राज लाने की बात करके आए थे। आज देख लीजिएगा जितना झगड़ा बीजेपी में, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, आज आपने भी कहा कितने MLAs के खिलाफ है भाई आज प्रशासन के, दिल्ली का आदेश जो होगा, कांग्रेस हाईकमान का आदेश होगा, कांग्रेस का 100% MLAs ने माना है, ये कहकर के नहीं नकार सकते। आज वसुंधरा जी के फोटो नहीं लग रहे, वसुंधरा जी जोधपुर में क्यों बैठी है, बहुत सी बातें राजेंद्र जी। हाँ। ये मैं कहना आसान है करना मुश्किल। ठीक है श्वेता जी, ये तो निश्चित है कि राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट की बहुत लिमिटेड है, महंगाई को काबू करने के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। खाली डीजल पेट्रोल पे आप वेट लगा करके आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक मैसेज दिया जाता है पब्लिक में कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं जितनी हो सकती दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर उन्होंने रिड्यूस किया, कितना कर सकते थे बहुत थोड़ा सा किया, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमारे जितना क्षमता में है हम कम कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि हम आपको राहत देना चाहते हैं, हम नहीं दे पा रहे, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, और चाहे दूसरे एक्सपेंसेस लोगों के रोजमर्रा के हों, कहीं पर भी राहत का एक संकेत भी दिया हो तो आप रामनारायण जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशनल लेवल पे जो खेल चल रहा है वो तो सबको पता है, देश की इकोनॉमी गर्त में जा रही है, लोग परेशान हैं, आपके फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो गई है, चाइना बॉर्डर पे क्या कर रहा है वो सबसे छुपा नहीं है, कम तो नहीं हो जाएगी। कांग्रेस को एक मैसेज देने की आवश्यकता है राजेंद्र जी, अगर लोगों की नाराजगी है जो बीजेपी से जुड़े हैं, ऐसे में सदस्यता कम तो नहीं होगी, कांग्रेस तो बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, आपने कहा ये तो हमने सालों पहले कर लिया, हमने पहले कर लिया, आज भी सदस्यता जो है उससे आज भी बढ़ रही है, दिन आज प्रत्येक दिन ले लो कोई ना कोई सदस्य हमारे 1000-2500 बढ़ते ही है, बढ़ते जा रहे हैं और कम नहीं हुए। आज अभी हमारे MLA साहब रामनारायण जी अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस दोनों जिलों में जीती है, मैं देखो 29 जिलों में चुनाव हुए हैं, 17 जिलों में हमारे जिला प्रमुख हैं, इनके कितनी जगह ये पूछो आप,
अब बहुमत तो हमारा हुआ ना आज भी और आगे भी, आपको निश्चित है चुनाव का जो आएगा उपचुनाव को उसमें भी पता लगेगा। और जिस तरह कल की दोनों सीट आप जीतेंगे जैसे कि दावे बीजेपी हमें पूरी उम्मीद है हम बिल्कुल उम्मीद है हम दोनों सीट जीतेंगे। और हम जिस तरह आज खाद नहीं मिल रहा किसान को, आज बिजली की दरें बढ़ा दी इन्होंने, आज ये हालत है कि आज 10-10 घंटे कटौती हो रही है, कोला के 27 करोड़ को पेमेंट ये कर नहीं पाए समय पे, आज आम आदमी घरेलू बिजली हो चाहे औद्योगिक हो चाहे कॉमर्शियल हो कोई सी हो उसमें कहीं भी किसी को फायदा नहीं है, हर जगह कटौती हो रही है, गांव में लोग परेशान है, बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी, आज किसान परेशान, 300 रुपए लगता था मीटर में कनेक्शन करने के कृषि का, आज 900 रुपए एक मीटर लगाने का चार्ज ले रहे हैं। बिजली का करंट तो लग रहा है आम जन को झटका दे रहा है और बीजेपी भी इस मुद्दा बना रही है कि इसका समाधान होना चाहिए लेकिन राज्य सरकार के हाथ में नहीं हो रहा है। श्वेता जी आपको तो ध्यान है कि अडानी को खान दो, यहाँ की जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको कमजोर उसकी खान दो, ये कौन कर रहा है? विदेश से जो खाद आयात होना चाहिए था वो किसने आयात नहीं किया टाइम पे? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार में कौन बैठे हैं, मुखिया कौन है? आजकल देखो बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि ये यदि दूसरे का फोटो लगा लेंगे तो इनको पार्टी में दर्जा दूसरा हो जाएगा। नंबर दो जी सदस्यता अभियान की बात कर रहे हैं, अगर ये मुद्दे राज्य के हैं, अगर ये सवाल बीजेपी उठा रही है और अगर इस पे नाराजगी है आम जन की तो वो जुड़ेगा कैसे कांग्रेस से? आपको एक लाइन में बताऊं, सदस्यता अभियान इनकी तो मिसकॉल है, हमारे फॉर्म भरेंगे, मिसकॉल कोई भी कर दो, एक आदमी 10 कॉल कर दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? मिसकॉल की सदस्यता अभियान सदस्यता बनने के बाद हमने डेटा निकलवाया उनके प्रत्येक क्या ये वोट में तब्दील होते हैं ये सदस्यता अभियान के तहत जो आंकड़े सामने आते हैं क्या ये वोटों में तब्दील होते हैं? चुनाव हो गया विधानसभा के लोग देखिए श्वेता जी ये डेफिनेटली ये जो पॉलिटिकल पार्टी सदस्यता अभियान चलाती हैं ये रामनारायण जी कह रहे हैं तो हम लोगों को मान लेना चाहिए कि ये फॉर्म भरवा करके एक एक व्यक्ति के पास जा करके करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो दावा कर रही है वो ये सच्चाई है कि ये कागजी जो अभियान है ये चलते हैं और इसको आप करोड़ों में नहीं आप अरबों में बना लें भले ही उसको कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर में फीड करना है आपको तो आंकड़े दिखा दीजिए। डिजिटल फॉर्मेट में पहली बार जब सदस्यता दी जा रही है जो कांग्रेस ने तैयारी की है इसके इस अभियान की, तो ये देखना है क्या वाकई इतना कर पाएंगे। आप देख लीजिए, मुझे नहीं लग रहा है। देखिए पहले भी कांग्रेस के अंदर सदस्यता अभियान चले हैं और जिस तरह के सदस्यता अभियान चलते हैं वो हम सब लोग जानते हैं। टारगेट दिया जाता है पदाधिकारी को कि आप इतना बना के लाएंगे, आप इतना बना के लाएंगे और वो भी उसमें समझ लीजिए कि 50% से ज्यादा कागजी अभियान होते हैं और ये कितना जमीन पे उतर पाएगा ये अब देखने की बात है। ऐसा नहीं है, देखिए आज डायरीज दी है और कोई टारगेट नहीं दिया जाता, जिसको लीडर बनना है, जिसको पदाधिकारी बनना है, जिसको डीसीसी प्रेसिडेंट बनना है, डेलीगेट बनना है वो फॉर्म भरवाते हैं, हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट तो पीसीसी ने रखा है कि इतना होना चाहिए तो परसों तो करेगी पीसीसी। अभी मैं भी 100 डायरी लेके आया हूँ और 5 रुपये की एक डायरी दी गई है 15 रुपए की और 5 रुपया प्रति सदस्यता पीस में हमारे यहाँ उसका नहीं होगा, हमारे यहाँ मिस कॉल नहीं होगा, हमारे यहाँ ओरिजिनल दस्तखत मिल रही है, उसका मोबाइल नंबर सब कुछ होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऑलरेडी 85 लाख सदस्य बन चुके हैं तो 10 लाख का टारगेट लेके चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे भी हम तो सदस्यता अभियान जारी रहेगा और बढ़ेगा, सदस्य बनते रहेंगे बीजेपी के, बीजेपी का अच्छा काम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभियान को कितना जनता का साथ मिलता है, क्या लक्ष्य पूरा हो पाएगा, कांग्रेस से क्या जनता बड़ी तादाद में जुड़ेगी और क्या बीजेपी से नाराजगी का फायदा यहाँ पर मिल सकता है और क्या वाकई में नाराजगी क्या भारतीय जनता पार्टी से है या कांग्रेस से जुड़ना चाहेगी जनता, क्योंकि एक बड़ा टारगेट तो जरूर दिया जाता है लेकिन सबसे अहम है क्या इस सदस्यता अभियान के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुड़ चुकी है जो कि 2 साल बाद होना है, ये भी एक अहम सवाल जरूर उठता है। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।